लखीमपुर खीरी में थाने के सामने दबंगों का आतंक देखने को मिला है। महिला और पुत्र को बीच सड़क पर जमकर उसकी पिटाई की। पुलिस थाने में शिकायत करने पर दबंगों ने पीटा है। आपसी रंजिश का पूरा मामला भी बताया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने पर दबंग मौके से फरार हो गए। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। महिला और पुत्र के बीच में ये मारपीट दबंगों द्वारा की गई। पुलिस थाने में अब इसको लेकर मामला भी दर्ज कराया गया। साथ ही आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर ये मारपीट हो रही है। थाने के सामने दबंगों की ये दबंगई और आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला और साथ ही महिला के साथ मौजूद युवक के साथ ये मारपीट की जा रही है। तो महिला और उसके बेटे को बीच सड़क पर पीटा गया है और साथ ही आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पीटा जा रहा है। दबंगों की दबंगई है बीच सड़क पर। हालांकि बचाव की कोशिश यहां पर करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं लेकिन दबंग बिना डरे बिना खौफ के यहां पर जमकर पिटाई कर रहा है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय क्या कुछ जानकारी पहले इस पूरे मामले को विस्तार से बताएं। इस तरीके से एक दबंग ने थाने के सामने सरेआम पीड़िता की और उसके बेटे की पिटाई की है वह अपने आप में सबसे यह लखीमपुर कोतवाली के सदर लखीमपुर जनपद के सदर कोतवाली का मामला है जहां पर एक जो महिला है वो अपनी फरियाद लेकर के थाने पर आई थी और दबंग लोग थाने के सामने ही उसको घेर लिए और घेरने के बाद उसको पीटना शुरू कर दिए। यह जो है पूरा वारदात जो है एक मोबाइल में कैद हो गया जिसके बाद से अब दबंग जो वहां से फरार है। पुलिस हालांकि उनकी तलाश कर रही है लेकिन जिस तरीके से सरेआम पुलिस थाने के सामने ये घटना घटित हुई है वह पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। जी प्रीति बिल्कुल संजय लेकिन पुलिस ने फिलहाल अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? दबंग फरार है, दबंग को ढूंढने में फिलहाल अभी तक पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के सामने ही अगर दबंग इस तरीके की दबंगई करते हैं तो आम जनता किसके भरोसे? देखिए ये महिला जो है कुछ आपसी रंजिश को लेकर के अपनी फरियाद लेकर के सदर कोतवाली थाने में आई हुई थी और वहीं पर जैसे ही मोटरसाइकिल से ये लोग वहां पहुंचे तो दबंग तुरंत इनकी मोटरसाइकिल को गिरा दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का ये कहना है कि हम तत्काल इसमें कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। इसी को लेकर के दबंग लगातार मारने पर आतुर हुए हैं, दबंग लगातार अपनी दबंगई दिखाने पर आतुर हुए हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पुलिस का जो रवैया है वो ढुलमुल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आपका शुक्रिया संजय। तमाम जानकारी तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।